अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं काट रही हूँ प्याज और आज मैं कुछ अलग चीज़ बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बादल हो रहा है और बारिश हो रही है, तो मुझे लग रहा है आज मैं कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँ। लेकिन अच्छी चीज़ में क्या बनाऊँ? वही चिकन, वही कोरमा, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। आज मेरा दिल कर रहा है उड़द गोश्त खाने का, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ उड़द गोश्त, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फ्रिज में रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, बस थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ ना उड़द गोश्त बनाया जाए। अच्छा, उड़द गोश्त में जब बनाती हूँ, तो पहले जब मैं बनाती थी तो उड़द गोश्त मेरा बहुत अच्छा नहीं बनता था। लेकिन एक दिन मैं मांझे में गई थी कहीं, वहाँ उड़द गोश्त बना हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये, मैंने जो वहाँ बावर्ची जो थे, तो मैं फिर उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे बनाया है, मतलब आपकी क्या ट्रिक क्या रहती है इसमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कैसे बनाते हैं। आज मैं वैसे 2-3 बार बना चुकी हूँ, वैसे भी बहुत टेस्ट, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जो हम लोग घर में उड़द गोश्त बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। तो आप आज मैं वो ही बनाने जा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँ उसकी। तो बस मैं जा रही थी वही बनाने के लिए। मैं प्याज काट रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं है, थोड़ा सा 1 पाव के करीब गोश्त है, और मटन रखा हुआ था। मैंने कहा लाओ आज मैं उसका उड़द गोश्त बनाती हूँ। तो बस मैं जा रही थी अब उड़द भी को नहीं, पहले मैंने प्याज काटा, प्याज काट के मैं रख देती हूँ और उड़द भी गो दूँगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी, एकदम से अचानक से दिमाग में आया, तो कम से कम 2 घंटे तो उड़द भीग ही जाए। तो मैं उड़द भिगाने जा रही हूँ और प्याज काट के अपना गोश्त मैं तब तक तैयार कर रही हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं मेरे साथ में उड़द गोश्त बनाने के लिए। और बहुत छोटी सी रेसिपी है और तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत बड़ी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी मैं आपके साथ में। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये है साबुत उड़द जो मैंने आधी कटोरी ली है और इसे भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद में ये मैंने लिया मटन, 1 पाव के करीब मेरा मटन था, और उसे मैंने अच्छे से धो लिया और प्याज जो मैंने लिए थे उसे तेल में डाल के अच्छे से लाल कर लिया, और उसके बाद उसमें मैंने गोश्त को डाल दिया। और इसमें आप खड़े मसाले ज़रूर डालिएगा, मुझसे जो है वो स्किप हो गया। और आप जो है इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद में इसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच लहसुन अदरक, लहसुन अदरक अच्छे से डालिएगा। उसके बाद में इसमें मैंने हल्दी, मिर्च और धनिया जो है वो डाल दिया था, और नमक डालने के बाद में इसे अच्छे से भून लीजिएगा। और खूब अच्छे से भूनने के बाद में आप जो है इसे मतलब इसमें प्रेशर कुकर में जब आप पकाएंगे तो इसमें अच्छे से पानी डाल के और गलने तक के लिए पका लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये उड़द अपने उबाल लिए थे, उबालने के बाद में नमक डाल के उबाले थे और ये ऐसे हो गए थे। और उसके बाद में मैंने एक मिक्सी ली और हल्का सा उसे मैंने इसमें पीस लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, बस हल्का सा मैंने एक बार चलाया। और यहाँ मेरा मटन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है और कलर भी अच्छा आया है। तो अब ये सारा का सारा पेस्ट जो बनाया था मैंने उड़द का, वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी तो आपको ये कलर जो है थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, अगर आपका कुछ बहुत नहीं गला है तो आप 2 सीटी लगा लीजिएगा। उसके बाद में मैंने 2-3 हरी मिर्च ली, थोड़ा सा अदरक लिया और ज़ीरा लिया, उसे कूट लिया। अगर आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में ये कलर इसका देखिए, 2 सीटी लगने के बाद कितना अच्छा आ गया था। और ये सारा का सारा गरम मसाला इसमें डाल दिया था, आप चाहें तो बाज़ार वाला गरम मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद में अब आई बारी इसमें बघार लगाने की, तो मैंने तेल लिया और उसमें मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज मेरा यहाँ जल गया था, और आप लोग प्लीज़ मत जलाइएगा, अच्छा प्याज का कलर रखिएगा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी इसलिए ताकि कलर अच्छा आए, लेकिन ये इतना जल गया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में ये मैंने एक मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था उड़द गोश्त, और उसमें मैंने बघार लगा दिया, और उसके बाद में ये इतना बढ़िया बना था, बहुत टेस्टी। और इस ये चावल के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे आप जिस चीज़ के साथ खाएं। और इस तरीके से बना के देखिएगा कभी आप, तब आपको पता चलेगा दोनों में फ़र्क कितना होता है। तो उसके बाद में
ये है सुबह का, अगले दिन सुबह का 6:30 बजे का वक्त था जब मैं उठी थी, क्योंकि मुझे आलिया को और मेरे हस्बैंड को जाना था हॉस्पिटल। क्यों जाना था वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, हमें 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाई थी और इनके लिए चाय और ब्रेड्स मैंने सेक दी थी। तो यहाँ कर रही थी मैं तैयार होने के बाद में अपना नाश्ता, फ्रूट चाट खा रही थी मैं, क्योंकि कुछ और खाने का सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई और आलिया ने भी फ्रूट चाट ही खाई थी। और इजहान को नहीं जाना था, वो सो रहा था और मैंने उसके लिए नाश्ता बना के रख दिया था, क्योंकि जब वो उठेगा तो वो अपने आप नाश्ता कर लेगा। और उसके बाद में हम लोग जो है वो निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल में हम क्यों जा रहे थे, क्योंकि मेरी चचाजात बहन के यहाँ माशाल्लाह खुशी होने वाली थी, तो उसका मतलब ऑपरेशन होना था, तो इसलिए हम लोगों को जो है जाना था। अच्छा, मेरी चचाजात बहन जो है वो मेरे हस्बैंड की सगी भांजी भी है, तो हम लोग जो है वो वहाँ जा रहे थे। और वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ऑपरेशन 9:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उसको OT में ले गए थे, लेकिन हमें पता चला कि 11:30 बजे डॉक्टर को आना था। तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रूम में चलते हैं, वहाँ पे बैठ थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बैठेंगे, उसके बाद में बाहर आ जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ रूम में पहुँच गए, यहाँ पर बैठ के हम सब लोग बातें कर रहे थे। अब हम लोग जो हैं वो बाहर आ गए थे और OT के बाहर हम लोग बैठे हुए थे सब लोग, और बस इंतज़ार कर रहे थे खुशखबरी का, क्योंकि ऑपरेशन होने में 1 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, और जो है सारी चीज़ें करने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। बस हम लोग भी जो है वो बैठ के यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हमें खुशखबरी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशखबरी जो है वो मिल गई है। और माशाल्लाह से बेटी हुई थी उसके यहाँ और बहुत प्यारी थी, और देखिए दुनिया पे आते ही बस उसने रोना शुरू कर दिया, और जो है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद उसे जो है वो रूम में ले आए थे, और यहाँ पे वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो यहाँ पे उसको फीडर दी गई। नानी और दादी दोनों उसके पास में बैठी हुई थी और दोनों लोग बहुत खुश थी माशाल्लाह से। उसके बाद में जो घर के और बच्चे थे वो भी आ गए थे। और बस मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।